मैं रखवानी रही अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर क्लास होप यू शैल ऑल बी फाइन एंड हैप्पी। ओके जी, इन टुडेज़ लेक्चर विल कंप्लीट द रीडिंग ऑफ आर्टिकल नंबर 43 प्लांच। लेट्स हैव अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। एज वी नो दैट ग्लोरिया एमरसन वाज अ जर्नलिस्ट, व्हेन शी वाज प्रिपेयरिंग टू जंप आउट ऑफ अ प्लेन बाय पैराशूट शी फेल्ट दैट शी वाज नॉट मच फिट फॉर दिस पर्पस। ग्लोरिया एमरसन कौन थी? शी वॉज अ जर्नलिस्ट। जब उसने पैराशूट के जरिए जंप करने की तैयारी की तो वो ऐसे महसूस कर रही थी कि शी वॉज नॉट फिट फॉर दिस पर्पस। व्हेन ग्लोरिया जंप फ्रॉम अ टिनी प्लेन ऑन द मे मॉर्निंग शी वॉज थिंकिंग ऑफ द ग्रेट रिस्क। इफ द विंड बिगेन ब्लोइंग फास्ट शी माइट बी इलेक्ट्रोक्यूटेड बाई गेटिंग कॉट ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स और गेट स्मैश्ड ऑन अ रूफ और हैंग इन अ ट्री। कि जब उसने सोचा, इनफैक्ट वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझती थी, बट शी वॉन्टेड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी जब उन्होंने कहा कि मैं जंप करने लगी हूँ प्लेन से पैराशूट के जरिए, तो उसके दोस्तों ने भी उसके बहुत सारे मजाक उड़ाए। जैसे एक कल हमने डिस्कस किया था कि एक उसके दोस्त ने कहा अगर ड्यूरिंग जंपिंग अगर तुम्हारी हड्डियाँ टूट गई तो तुम्हें शूट हम करवा देंगे क्योंकि तुम्हारी हड्डियाँ दोबारा से नहीं जुड़ेंगी। तो ख़ुद भी वो बहुत सारे फियर्स में है कि अगर वो कहीं गिर गई हवा की वजह से तो मे बी उसे इलेक्ट्रिक करंट लग जाए या किसी दरख्त के साथ वो लटक जाए। बट एनी हो, उसने क्या किया, अपनी जो ट्रेनिंग थी जैकोस ईस्टर पैराशूटिंग सेंटर यूएसए में जो था उसमें उसने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट की। और जो ईस्टर का जो एक उसने एक नया डिज़ाइन पैराशूट किया था उसकी जो वो 32 फुट कैनोपी का था उसमें एक लार्ज होल था टू लेट द एयर एस्केप। और उस देर आर टू वुडन नॉब्स एंड दीज टू वुडन नॉब्स वर यूज्ड फॉर स्टीयरिंग द पैराशूट के वो पैराशूट को आगे पीछे टू एंड फ्रो करने के लिए इस्तेमाल होती थी। द स्काई डाइवर्स जो थे कुड इवन लैंड स्टैंडिंग अप बट दे वर आस्क्ड टू बेंड देयर नीज एंड टू बेंड टू वन साइड। उन्हें कहा गया कि आप लोग ऐसे झुक सकते हैं। नोट कम टू द ग्लोरिया एमरसन। जो ग्लोरिया एमरसन थी उसके जो प्लेन का नेम था वो था सेसना 180। और जब उसने जंप करना था तो इट वाज अ फाइन मे मॉर्निंग एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड विद हर हैवी इक्विपमेंट शी फेल्ट लाइक मूविंग और वॉकिंग स्ट्रेंजली अंडर वाटर। ग्लोरिया जो थी अपने ड्रिल मास्टर को वो डिसलाइक कर रही थी। ओके जी, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जब 180 जो उसका प्लेन था उसमें वो सवार हो गई थी। अब हम इसको ये देखें, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है सेकंड पेज के सेकंड पैराग्राफ से फोर्थ ईयर। टू ऑफ अस बोर्डेड अ सेसना 180 दैट लवली मॉर्निंग द विंड नो मोर देन अ टिकल। कि हवा बहुत खूबसूरत थी। आई वॉज नॉट माई सेल्फ नो लॉन्गर थिन एंड नो लॉन्गर फास्ट द जंप सूट। कहती है मैंने जंप सूट पहना हुआ था। The equipment, helmet, the boots had made me into someone thick and clumsy. कहती मैं थिक अपने आप को फील कर रही थी, clumsy looking not good. Moving as strangely as if they had put me under water and said I must walk. कहती मैं ऐसा फील कर रही थी कि मैं पानी के अंदर चल रही हूँ and they are asking me to walk. It was hard to bend, to sit and to stand up. कहती इस equipment में झुकना बैठना और खड़े होना मुश्किल था। आई डिड नॉट लाइक द मैन विद मी। जो मैन उसके साथ था, इट मीन्स उसका जो ड्रिल मास्टर था, वो उसको लाइक नहीं कर रही थी। ही वॉज ईगर एंड कम्पोज, ही वॉज वेरी कम्पोज मैन। आई वॉन्टेड टू स्मोक टू गो टू द बाथरूम बट देर वर मैनी स्ट्रैप्स अराउंड मी एट आई डिडेंट अंडरस्टैंड। जब उस वो इक्विप्ड हो गई तो उसके बाद कहती है शी वॉन्टेड टू स्मोक, शी वॉन्टेड टू गो टू बाथरूम बट शी इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड। At 2300 feet, the hateful happy man went out, making a dumb thumbs up sign. कहती है कि जब जो प्लेन था उनका वो 2300 feet की हाइट पर था तो जो उसका ड्रिल मास्टर था उसने अंगूठा ऊंचा करके इशारा किया कि नो ग्लोरिया इज़ रेडी टू जम्प। ओके जी, इस पैराग्राफ में वो क्या फीलिंग्स शेयर कर रही है अपनी कि जब उसने वो ड्रेस पहना तो उसके बाद उसकी फीलिंग्स क्या थी कि इस ड्रेस में उसके लिए बहुत मुश्किल था। इट वाज हार्ड टू बेंड टू सिट एंड टू स्टैंड एंड सेकंड उसने कौन सी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की है कि शी डिडंट लाइक हर ड्रिल मास्टर। और फिर क्या कि जब उसका जो एयरप्लेन जो प्लेन था वो 23 feet की हाइट पर पहुँचा तो ड्रिल मास्टर ने उसे डम थम्स अप का साइन दिया कि नो यू आर रेडी टू जंप।
ओके जी, मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन माय टर्न केम आई सडनली फेल्ट अ स्टैब ऑफ पेन फॉर ऑल द फॉरगॉटन सोल्जर्स हु बार्क्ड एंड वर किक्ड आउट। बार्क मीन रिफ्यूज टू डू समथिंग, कुछ करने से इनकार करना। अब ग्लोरिया की जो टर्न थी वो आ गई, तो कहती है उस टाइम उसकी फीलिंग्स क्या थी, उसने ऐसी पेंस फील की, उसने अपने आप को कंपेयर किया उन सोल्जर्स की तरह जो कुछ भी नहीं करना चाहते और जिन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। पर हैव शूट, कहती कि मे भी इस तरह के सोल्जर्स को शूट कर दिया जाता है फॉर दर पैनिंग एंड ऑफ डिलेइंग द ट्रूप्स, क्योंकि ऐसे सोल्जर्स की वजह से पैनिक क्रिएट होती है और जो आर्मी है वो डिले हो जाती है, इसलिए दीज वर शूट। आई वॉज हुक टू अ स्टेटिक लाइन, कहती है कि उसको बांधा गया हुआ था एक लाइन के साथ, स्टेटिक लाइन थी। ओके जी, एन ऑटोमेटिक ओपनिंग डिवाइस थी वो, विच मेड इट इम्पॉसिबल टू लाई डाउन और टाई माई सेल्फ टू समथिंग, कहते जो बड़ा मेरे मुश्किल नामुमकिन था कि मैं अपने आप किसी के साथ जोड़ सकूँ। द ड्रिल मास्टर कुड नॉट हेयर ऑल डैट आई शाउटेड एट हिम, कहती ड्रिल मास्टर पर जो मैं चला रही थी वो नहीं सुन रहा था। बट ही न्यू द साइंस ऑफ म्यूटनी, म्यूटनी मीन रिबेलियस, कहते लेकिन उसने मेरे में बगावत के साइंस देख लिए थे। एंड रिमूव माई आर्म्स फ्राम हिज नेक, और उसने मेरे बाजुओं को उसकी नेक से रिमूव किया। ही टुक मी टू द डोर वे एंड सेट मी डाउन एंड येल मीन क्राइड, कहते वो मुझे दरवाजे तक लेकर गया और वो चीखा, गो आर नाउ आर आउट, गो नाउ आर आउट। देर वॉज नथिंग टू डू बट ही बी पंच्ड बाई द विंड विच नॉक द स्पिट फ्रॉम माई माउथ, कहते किस टाइम करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा था, ओनली टू पंच्ड बाई द विंड के हवा के जो थपेड़े थे वो बर्दाश्त करना। रीच फॉर द विंग स्ट्रट होल्ड ऑन हार्ड किक बैक द फीट टू वेट इट एंड हेल्पलेस इन दोज बूट्स, कहती मैं अपने आप को हेल्पलेस फील कर रही थी, लेट गो, कहती जंप लगा ली। द पैराशूट ओपन विद द प्लॉप, एक झटके के साथ पैराशूट खुला। एज इस्टल हैड स्वॉर्न टू मी दैट इट वुड, जैसे कि इस्टल ने प्रॉमिस किया था कि इट वुड ओपन। When my eyelids open as well, कहती जब मैंने अपनी आईज खोली, I saw the white gloves on my hand were old ones from the Saks Fifth Avenue, कहती मैंने अपने gloves की तरफ देखा जो कि मेरे white gloves थे। And I wore with summer dresses, जो कि अपने summer dresses के साथ पहनती थी। There was dribble on my chin, कहती मेरी chin पर थोड़ा सा sweat आया हुआ था। एंड माई आईज एंड नोज़ वर लीकिंग, उसकी आँखों से भी पानी आ रहा था नोज़ में से भी। आई वाइप्ड एवरी थिंग विद दी ग्लव्स, कहती मैंने अपनी ग्लव्स के साथ इनको साफ किया, वो पानी जो कि उसकी आँखों से और नाक से बह रहा था। इनफैक्ट अभी इस पैराग्राफ में उसने उन फीलिंग्स को शेयर किया है कि जब आफ्टर जंपिंग उसकी क्या वो फील कर रही थी। कहती है द पैराशूट ओपन विद द प्लॉप एंड उसके बाद क्या हुआ, उसकी आईज पर, उसकी चिन पर, उसके नोज़ पर ड्रॉप्स ऑफ वाटर थे जिसको उसने अपने ग्लव्स के साथ नीट साफ किया। ओके जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। देर वॉज नो नॉइज, द रैकेट ऑफ द प्लेन एंड विंड हैड गॉन अवे, कहती अब कोई शोर नहीं था, जहाज़ का, हवा का सब कुछ ख़त्म हो गया था। द कोल्ड एंड स्वीट स्टिलनेस सीम्ड एन एस्टोनिशिंग सरप्राइजिंग अनड्रीम्ड ऑफ गिफ्ट, कहती है कि जो कोल्डनेस थी, जो स्वीट एंड साइलेंट एयर थी, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, लुकिंग सो पीसफुल एंड सो एस्टोनिशिंग एंड सरप्राइजिंग, देन ही सॉ व्हाट आई हैड नेवर सीन बिफोर, नो ही हैज शेयर्ड हर फीलिंग्स आफ्टर शी जम्प्ड, कहती है कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। एंड विल नेवर सी अगेन, एंडलेस स्काई एंड अर्थ इन कलर्स एंड टेक्सचर्स नो वन हैड एवर डिस्क्राइब, कहती मैंने वो कलर्स देखे जो एंडलेस थे, कभी ना ख़त्म होने वाले। ओनली देन डिड द पैराशूट बिकम अ मोस्ट लवेबल एंड ड्यूसाइल टाइप, ड्यूसाइल मीन के वेरी ओबीडियंट, कहती इस टाइम मुझे लगा कि पैराशूट जो है मेरे लिए एक ऐसा टॉय है जो ओबीडियंट है। दिस वुडन नॉब टू गो लेफ्ट, दिस वुडन नॉट टू गो राइट, कहती फिर मैंने उसको कि ये जो वुडन नॉब थी लेफ्ट साइड के लिए थी, ये राइट साइड के लिए थी। The pleasure of being there, the drifting and the calm rose to a fever. I wanted to stay pinned in the air. कहती मैं हवा में ठहरना चाहती थी and stop the ground from coming closer. The target was a huge arrow in a sand pit. कहती जो मेरा target था वो एक रेत के गड़े में arrow लगा हुआ था but at that time she doesn't want to land.
आई वॉज क्रॉस टू सीट अफ्रेड ऑफ नथिंग नो, कहती अब मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं था। इवन द विंड वॉज काइंड एंड द ट्रीज लुक सॉफ्ट, कहती जो विंड थी ट्रीज थे लुकिंग सो सॉफ्ट। आई लैंडेड ऑन माई फीट इन द पिट विद अ बम्प, कहती एक झटके के साथ मैंने लैंड किया। देन सैट डाउन फॉर अ बिट लेटर डैट डे आई वॉज टेकन ओवर टू मीट जनरल जेम्स गैविन हु हैड लेड द 82nd एयरबोर्न इन द डे डे लैंडिंग एट नॉर्मेंडे, कहती है उसके पास मुझे ले जाया गया। बट इट वॉज टू प्रूव टू हिम डैट द लीस्ट प्रोमिसिंग पीपल द गॉकीस्ट, गॉकीस्ट मीन मोस्ट ऑकवर्ड, कहती है कि ये मुझे इसलिए ले जाया गया दिखाने के लिए कि लीस्ट जो प्रोमिसिंग पीपल जो मोस्ट ऑकवर्ड जो स्टूडेंट थी जंप कर सकती है। डिडंट मैटर डैट आई स्टम्बल्ड एंड फेल बिफोर हिम इन दोज बूट्स, कहती इस बात की फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मैं उसके सामने लड़खड़ा गई इन बूट्स में विच आई वॉक विद अ विल ऑफ देयर ओन। लेटर मिस्टर ईस्टर्स मदर रोट अ चार्मिंग नोट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, एवरी वन एट द सेंटर वॉज प्लीज, इन फैक्ट आई एम श्योर दे वर सरप्राइज, परहैप्स दिस इज़ व्हाट आई हैड इन माइंड ऑल द टाइम, कहती है कि इन फैक्ट आई इन्जॉय दिस एक्सपीरियंस और इसके बाद हर किसी ने एवरी वन अप्रिशिएटेड मी, एवरी वन वॉज सरप्राइज, कहती है कि डेट वॉज दैट पॉइंट शी वॉन्टेड टू डू इन हर लाइफ। ओके जी, फोर्थ ईयर वी हैव कम्प्लीटेड द रीडिंग ऑफ आर्टिकल नंबर 4, टेक द प्लंज। अब नाउ मूव टू द क्वेश्चन। ओके जी, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, आपने इसको प्रिपेयर करना है। हाउ डज द ऑथर स्टेट हर मोटिव, उसने अपने पर्पज़ को कैसे एक्सप्लेन किया है। वट वॉज ग्लोरिया इमरसन्स पर्पज़ इन मेकिंग द जम्प, उसका पर्पज़ क्या था। Gloria Emerson is a famous journalist and award-winning authoress. Take the Plunge is a light and humorous essay on skydiving. Ek humorous essay hai skydiving par. The descriptions of the operation of the parachute, ke jis tarah se usne describe kiya hai parachute ko, ke kaise wo operate karta hai, the descent and the landing, kaise wo upar chadha, kaise wo niche utra, are very clear and accurate. Ye cheezein bahut hi clear and accurate hain. She gives her fears and hopes about taking the plunge. उसने इस ऐसे में अपने fears को और अपनी hopes को explain किया about the plunge. She wanted to be brave about something. Gloria wanted to test her mettle. अपनी courage को test करना चाहती थी by parachute jumping. In fact, she wanted to justify that women can be equal to men in every field of life. In fact, वो ये क्या करना चाहती थी कि जो women हैं they are equal in every field of life. She wanted to prove that even a handicapped woman, handicapped mean not perfect, जो थोड़ी सी disabled woman होती, disabled जो woman है, could perform daring deeds, वो भी बहादुरी वाले काम कर सकती हैं। She decides to take the plunge, उसने jump लगाने का फैसला किया। She wanted to surprise her colleagues and the world by taking the plunge from parachute. So she joined the first US sports parachuting center for getting proper training. She got proper training about skydiving and the use of parachute. उसने training ली। At last she performed successfully her first dive. She was anxious and excited in making her first jump with parachute. वो बड़ी upset थी, खुश भी थी। She wished to prolong her stay in the open space. वो इस जगह पर अपने open space में अपने stay को prolong करना चाह रही थी। But she was too herself on a target, as huge उसका सेंट पे टारगेट था। शी वॉज देन अफ्रेड ऑफ नथिंग, ऑल हर फियर्स हैड वैनिश्ड, उसके सारे खौफ ख़त्म हो गए। शी सेफली लैंडेड हर सेल्फ ऑन दी टारगेट, दस शी एग्जीक्यूटिड हर टास्क ग्रेसफुली। एग्जीक्यूटिड मीन कम्प्लीटिड हर टास्क, उसने अपने ख़त्म किया। टू हर पैराशूट वॉज एज सेफ एज स्विमिंग, एंड यहाँ पर आप लोग ऐड वो भी कर सकते, जब उसने कहा कि एट दैट टाइम पैराशूट वॉज आ जो डिसाइल के तौर पर उसने जो लाइन एक लास्ट पे जो कहाँ पे थी, ये जो उसने कहा था ये वाला कि पैराशूट बिकम अ मोस्ट लवेबल एंड डिसाइल टॉय, यू कैन कोट दिस लाइन हेयर एंड आल्सो यू कैन कोट देयर वाज नो नॉइज रैकेट ऑफ द प्लेन एंड विंड हैड गॉन अवे। टेक्स्ट पढ़ने का पर्पस क्या है कि आप लोग जो क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ लाइन्स हैं इसमें मज़ीद ऐड करें।
She successfully carried out her jump by parachute. Thus, she proved her mettle and courage. She is very justified when she writes this in the end of the essay. In fact, I am sure they were surprised. Perhaps this is what I had in my mind. कि यही था जो कि मेरे जहन में था. ओके जी, फोर्थ ईयर. आज मुझे जी आज आप लोगों का ऐसे जो टेक द प्लंज है वो हमने उसकी रीडिंग भी कंप्लीट कर दी है, क्वेश्चन भी उसका डिस्कस कर लिया. और मुझे लग रहा है आपके ईडियम्स की पिक मुझे लेना याद नहीं रही, तो आप लोगों ने आगे मैं आप लोगों को वैसे बता देती हूँ बुक से कि आप लोगों ने हमने पहले कितने ईडियम्स डिस्कस किए थे. ओके जी, हमारे डिस्कस हो गए थे 71 to 80 हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 81 to 100. ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ, 81 पे है अलादीन्स लैम्प, 82 पे अल्फ़ा एंड ओमेगा. कि द अल्फ़ा एंड ओमेगा मींस अव्वलो आखिर, द अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ इस्लाम इज़ डैट गॉड इज़ वन. एंड नेक्स्ट है एनिमल स्पिरिट्स, जोशो खरोश, द प्लेयर्स डिस्प्लेड एनिमल स्पिरिट्स इन दी मैच. के प्लेयर्स ने मैच में बहुत ही जोशो खरोश का मुजाहरा किया. एन ओपन सीक्रेट, एक खुला राज, करप्शन इज़ एन ओपन सीक्रेट इन पाकिस्तान. एज द क्रो फ्लाइज, बिल्कुल सीधा रास्ता, दिस रोड लीड्स टू मॉस्क एज स्ट्रेट एज द क्रो फ्लाइज. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फसाद की जड़, दिस हाउस इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के दरमियान फसाद की जड़ है. एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना, सेल्फिश लीडर्स ऑलवेज हैव एन एक्स टू ग्राइंड. एप्पल ऑफ वन आई, आँख का तारा होना, माई सन इज़ एन एप्पल ऑफ माई आइज. एप्पल पाई ऑर्डर, तरतीब के साथ, कीप योर बुक्स ऑन द टेबल इन एप्पल पाई ऑर्डर. एट अ स्टोन थ्रो, करीब ही, माई कॉलेज इज़ एट अ स्टोन थ्रो फ्राम माई हाउस, के जो मेरा घर कॉलेज है मेरे घर के बिल्कुल ही करीब है. और ठीक है, फोर्थ ईयर आप लोगों ने ये idioms करने हैं 81 to 90. जब ये 100 हो जाएगा तो फिर हम इनको कुछ रिवाइज भी करेंगे. अच्छा, आज का जो लेसन है उसको थोड़ा सा रिपीट कर दूं. आप लोगों ने टेक दी प्लंज की जो रीडिंग है उसे कंप्लीट करना है दोबारा से, और एक ही इसका क्वेश्चन है उसको आप, ये मैंने आपके सामने रीड किया है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करना है. और साथ आपके ये 10 ईडियम्स हैं, ये हैं आप लोगों के कहाँ से कहाँ तक हैं 81 to 90, इनको अच्छे तरीके से लर्न करना है. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.